केजरीवाल का सबसे महंगा जुआ। जिस किसान आंदोलन को हवा दे रहे केजरीवाल, उसी कारण 11 लोगों की मौत। दिल्ली सरकार के विभाग ने ही बताई असली वजह। इस बंदे ने दारूबाज आंदोलन जीवियों की धोती खोल दी है। अगर मोदी सरकार आपकी नहीं सुन रही तो 2 महीने में चुनाव है। मोदी जी को हरा दो, अपनी सरकार ले आओ। कृषि राज्य का विषय है। अपने काका पंजाब के सीएम भगवंत मान से कहो 50 रुपए किलो आलू खरीदे। क्यों नहीं खरीदता? हर फसल पर MSP दे दे। यहाँ क्यों आए हो लोगों को परेशान करने? इससे सिद्ध होता है कि यह किसान नहीं, विपक्ष द्वारा प्रायोजित भाड़े के टट्टू है। अगर जनता अपने पर आई तो इन नकली किसानों का बक्कल उतार देगी। देश में एक बार फिर से किसान आंदोलन शुरू हो गया है। इस दौरान सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनमें इन तथाकथित किसानों को अराजकता फैलाते हुए और हिंसा करते हुए देखा जा सकता है। हरियाणा पंजाब के संभू बॉर्डर पर इन किसानों ने सबसे ज्यादा उत्पात मचा रखा है। साथ ही ये खालिस्तान का समर्थन भी कर रहे हैं। कई पुलिस वाले घायल हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये लोग सचमुच देश के किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं? देश की राजधानी दिल्ली के अलीपुर में गुरुवार 15 फरवरी 2024 की शाम को आग लग गई। यह आग एक पेंट फैक्ट्री में लगी जिसमें 11 लोगों की जलकर मौत हो गई। इस हादसे की वजह जो भी रही हो, लेकिन राहत एवं बचाव कार्यों में देरी हुई जिसके चलते इतना बड़ा नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद दमकल विभाग को जब इसकी सूचना दी गई तो दमकल विभाग की गाड़ियां काफी देर से मौके पर पहुंची। अलीपुर अग्निकांड मामले में एक अधिकारी ने किसान आंदोलन की वजह से भारी बैरिकेडिंग को दमकल विभाग की गाड़ियों के पहुँचने में हुई देरी की वजह बताया। दमकल के देरी से पहुंचने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, यह बहुत दुखद घटना है। आग एक पेंट फैक्ट्री में लगी जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई तो 4 लोग घायल हो गए। उन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए 10-10 लाख रुपए के आर्थिक मदद की बात कही। साथ ही गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख देने और मामूली रूप से घायलों को 20-20 हजार रुपए देने की बात कही। इस दौरान उन्होंने कहा, बताया जा रहा है कि दमकल की गाड़ियां देरी से पहुंची, मैं इसकी जांच के आदेश दूंगा, फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने भले ही जांच की बात कही हो, लेकिन दिल्ली में किसी भी आपात स्थिति से निपटना काफी मुश्किल हो रहा है। एक तरफ उनकी सरकार किसान आंदोलन का समर्थन कर रही है, पंजाब में किसानों को बिना किसी रोक टोक के हरियाणा की सीमाओं को घेरने का मौका दिया जा रहा है, तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव को नकार दिया जिसमें केंद्र सरकार ने बवाना स्टेडियम को अस्थायी जेल में बदलने का अनुरोध किया था। यही नहीं, दिल्ली सरकार ने इस अनुरोध को समर्थन देते हुए कहा था कि सभी को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का हक है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।